वेलकम बैक टू माई चैनल केयर एंड शेयर विथ यू। आज का टॉपिक है शैम्पू हेयर मास्क। शैम्पू में कुछ इंग्रेडिएंट्स मिक्स करके अप्लाई करने से आपके बालों की जो प्रॉब्लम है, ग्रे हेयर, हेयर फॉल और डैंड्रफ सॉल्व हो सकती है। इस रेमेडी को शुरू करने से पहले आप प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस रेमेडी को शुरू करने के लिए आपको इंग्रेडिएंट्स जो जरूरत है वो है, पहला इंग्रेडिएंट है शैम्पू, कॉफी। कॉफी आपके बालों के लिए बहुत फायदेमंद है। कॉफी ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। कॉफी में मौजूद कैफीन बालों को बढ़ने में मदद करता है। आंवला पाउडर आपके बालों को नरिश करता है, मजबूत बनाता है, हेयर ग्रोथ को बढ़ाता है, ग्रे हेयर को प्रिवेंट करता है और हेयर लॉस को भी कंट्रोल करता है। आंवला में विटामिन सी बहुत ज्यादा होता है। एलोवेरा में विटामिन ए, सी और ई पाया जाता है। इसमें जो विटामिन B12 और फोलिक एसिड बालों को गिरने से रोकते हैं। नींबू लगाने से बाल बढ़ते हैं, डैंड्रफ नहीं होता। बालों में नींबू का रस लगाने से बाल चमकदार बनते हैं। विटामिन ई ऑयल आपके बालों को जल्दी बढ़ाता है। स्कैल्प का पीएच बैलेंस मेंटेन होता है, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, हेयर फॉलिकल हेल्दी होते हैं, बाल घने, लंबे, मजबूत होते हैं और हेयर फॉल को भी कंट्रोल करता है। चलिए अब इस रेमेडी को बनाते हैं। सबसे पहले आप एक बाउल में शैम्पू ले लीजिए। मैंने यहाँ 3 to 4 स्पून लिया है, आप अपने मर्जी से ले सकते हैं। और उसमें हाफ स्पून कॉफी ऐड कीजिए। फिर उसके बाद हाफ स्पून आंवला पाउडर। अगर आपके पास आंवला पाउडर नहीं है तो आप उसकी जगह आंवला हेयर ऑयल भी यूज कर सकते हो हाफ स्पून। फिर आप उसमें 1 स्पून एलोवेरा यूज कीजिए। आप चाहे तो मार्केट का भी यूज कर सकते हो एलोवेरा जेल। फिर उसके बाद एक चम्मच नींबू का रस। और फिर लास्ट में एक विटामिन ई ऑयल में से आप ऑयल निकाल कर डाल लीजिए। मैंने यहाँ सिर्फ एक कैप्सूल यूज किया है, आप चाहे तो 2 भी यूज कर सकते हो। सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर दीजिए। आपको इस रेमेडी को हफ्ते में 2 बार यूज करना है। पहले बालों को अच्छी तरह गीला कर दीजिए, इसके बाद 2 मिनट इससे आप मसाज कीजिए। 2 मिनट मसाज करने के बाद 5 मिनट आपको इसे छोड़ना है। 5 मिनट छोड़ने के बाद आप फिर इसे बालों को वॉश कर लीजिए। पहली वॉश से ही आपको फर्क नजर आएगा, आपके बाल स्मूथ और डैंड्रफ फ्री हो जाएंगे। कुछ दिनों में डैंड्रफ बिल्कुल चला जाएगा।
और मेरी ये रेमेडी कैसी लगी प्लीज आप कमेंट सेक्शन में प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का जरूर इंतजार रहेगा। और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।